नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। कोरोना ने सभी देशों में अपना काफी ज्यादा कहर बरपाया, लेकिन अब देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी हो रही है। इस बीच अब केरल में एक नए वायरस के संक्रमण ने टेंशन बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम है नोरो वायरस। जी हाँ, केरल में नोरो वायरस के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक प्राइवेट स्कूल में लगभग 62 स्टूडेंट्स में नोरो वायरस के लक्षण पाए गए। स्कूल में बच्चों को अचानक उल्टी और डायरिया की शिकायत हुई थी। जिले के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनके 2 सैंपल लैब में भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 3 बच्चों का अभी इलाज चल रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्राइवेट स्कूल को अगले 2-3 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। खास बात यह है कि बच्चों के अलावा कुछ पेरेंट्स में भी इस बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये नोरो वायरस क्या है, इस संक्रमण के लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में नोरो वायरस से हर साल करीब 68 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। इनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 20 करोड़ है। इस वायरस की वजह से हर साल करीब 2,00,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें बच्चों की संख्या करीब 50,000 रहती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज का कहना है कि पेट से जुड़ी समस्या पैदा करने के कारण इसे स्टमक फ्लू और स्टमक बग भी कहा जा रहा है, लेकिन ये स्टमक फ्लू या स्टमक बग नहीं है। स्टमक फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से जुड़ी बीमारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरो वायरस एक जैसे कई वायरस का समूह है जो काफी संक्रामक होता है। इस वायरस से संक्रमित होने पर पेट और इंटेस्टाइन पर सबसे बुरा असर पड़ता है। इससे संक्रमित होने पर गैस्ट्रोएंटेरिटिस की समस्या पैदा होती है। हर साल सिर्फ अमेरिका में ही करीब 2.1 करोड़ लोग गंभीर समस्या के कारण अस्पताल पहुंचते हैं। इसमें करीब 4,00,000 लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती करना पड़ता है। अकेले अमेरिका में इससे हर साल 800 के करीब लोगों की मौत हो जाती है। इनमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा होते हैं। हर साल अमेरिका में हर 15 में से एक व्यक्ति नोरो वायरस से संक्रमित होता है। संक्रमित होने वाले हर 14 में से एक बच्चे को इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ता है। तो अब इसके लक्षणों की बात करें तो इससे संक्रमित बच्चे, बड़े या बुजुर्ग को अचानक उल्टी या दस्त होने शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, संक्रमित को तेज बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द की समस्या भी होती है। संक्रमित होने के 2 दिन या कई मामलों में 1 दिन बाद ही इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। संक्रमित की आंतों में सूजन की शिकायत भी हो सकती है। इससे संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रह सकता है। ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों यानी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को आसानी से संक्रमित करता है। ये नोरो वायरस गंदे पानी और खराब खाने की वजह से फैलता है। वहीं अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो भी नोरो वायरस की चपेट में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसे ये वायरस एक बार हो जाएगा उसे दोबारा नहीं होगा। ये वायरस एक व्यक्ति को कई बार संक्रमित कर सकता है। इस वायरस के 1 से ज्यादा वेरिएंट मौजूद है। नोरो वायरस पर सैनिटाइजर का भी असर नहीं होता है। वहीं ये वायरस भीषण गर्मी में भी फैल सकता है। नोरो वायरस 60 डिग्री तापमान पर भी खत्म नहीं होता है। ये वायरस सीवेज के जरिए भी फैलता है। संक्रमित जगह को छूने के बाद चेहरे पर हाथ लगाने से भी ये वायरस फैलता है। अब इससे बचाव और इलाज की बात करें तो नोरो वायरस से बचाव संभव है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि नोरो वायरस से संक्रमित व्यक्ति घर पर ही ठीक हो सकता है। संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बार बार अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से धोएं। बच्चों के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चे कहीं भी हाथ रख देते हैं। उनके हाथों को बार बार धुलवाएं। साथ ही कपड़ों और सब्जियों को भी करीब 15 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें। संक्रमित व्यक्ति को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी दें। इससे मरीज 3 से 6 दिन के भीतर ठीक हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति को ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन दें। साथ ही आपको बता दें कि इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं बना है और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती कराना ही बेहतर है। तो आप सब लोग भी ध्यान रखें और इस वायरस की चपेट में आने से बचें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 44।